तो हेलो गाइस, तो लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले ये डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम थोड़ी ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बट इसमें हम बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स कवर कर लेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे जो समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर, और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों को जरूरत है, जिन बच्चों को जरूरत है उन्हें भी शेयर करो, जिससे वो भी पढ़ सकें और उनका भी भला हो, है कि नहीं। तो उनको भी शेयर करो, नीडी स्टूडेंट्स को जिनको जरूरत है पढ़ाई की। ओके, तो फिर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, तो फिर अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ ऋषि गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टडी केयर। अपने माइंड सेट आ लीजिए साइंस का पीयर। चलिए फिर अब हेडिंग बनाएंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम ब्रैकेट में शो कर देंगे, शॉर्ट में लिखा जाता है E.M.I। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आता है, बस समझते हैं ना ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो होता क्या है इसमें, पहले लैंग्वेज लिखो फिर समझाता हूँ। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ मैग्नेट कॉमा देन करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिख लिया इतना, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। अब देखो क्या चीज़ होती है ये, जो जो मैंने अंडरलाइन करी है, बस यदि आप वो पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, जब जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई मोशन होता है, कॉइल समझते हो ना आप कॉइल क्या होता है, और मैग्नेट, मैग्नेट भी समझते हो, जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई मोशन होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल में। फॉर एग्जांपल ये हमने कॉइल ली, इधर हमने मैग्नेट ली, इसमें दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। अब जैसे इसमें कोई मोशन हो रहा है, समझ रहे हो ना, तो मैग्नेट जो है वो कॉइल को अट्रैक्ट करेगी, कॉइल को अट्रैक्ट करेगी ना, है कि नहीं। तो कॉइल को अट्रैक्ट करेगी तो करंट किस में प्रोड्यूस हुआ, कॉइल में हुआ। वही प्रोसेस यहाँ पे है, जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई मोशन हो रहा है, जिसको हम रिलेटिव मोशन बोल रहे हैं, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में, इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जा रहा है। ओके, पैराग्राफ चेंज करके यही लिखा है कि जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा उसे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा उसे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। जो OTs में आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये, इसको ध्यान से याद कर लो, अंडरलाइन कर लो, इंड्यूस्ड करंट। ओके, अब देखो ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इधर है क्या इस डायग्राम में, ये मैग्नेट लिया हमने, ये हमने एक पूरा सर्किट कंप्लीट किया है जो कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी ये सर्किट कंप्लीट आता है, बस इधर हमने मैग्नेट रखी है इस साइड। अब देखो होगा क्या, इधर यदि इधर गैल्वेनोमीटर रखा है, इधर मैग्नेट रखी है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, इधर गैल्वेनोमीटर में कोई पोल नहीं होता, बस गैल्वेनोमीटर का ये एरो जो है वो शो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, और यदि हो भी रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है। समझ में आ रही है ना बात, बहुत धीरे समझा रहा हूँ, धीरे धीरे आ जाएगी सबको समझ में। अच्छा टॉपिक है, लेंदी मतलब ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, छोटा है, बस हैवी है थोड़ा। अब देखो यदि गैल्वेनोमीटर के पास में मैं ये मैग्नेट को रखता हूँ, तो मैग्नेट जो है अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी तो गैल्वेनोमीटर पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। वही बात यहाँ पे होगी जो कि अभी हमने पढ़ी थी कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल में। तो कॉइल को आप अभी गैल्वेनोमीटर मान लो और मैग्नेट तो रखी है, अब यदि इन दोनों के बीच में मोशन हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में यानी कि गैल्वेनोमीटर में।
अब करंट किस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है वो समझिए। गैल्वेनोमीटर का ये एरो शो करता है किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये फर्स्ट केस है जब मैग्नेट को हम रखेंगे बिल्कुल नॉर्मली, तो गैल्वेनोमीटर जो है करंट ऊपर की मतलब इस डायरेक्शन में शो करेगा। और बाद में जो दो केस आएंगे वो भी अलग अलग है। समझ में आ रही है ना बात। इस गैल्वेनोमीटर में ये फर्स्ट केस में ये है कि करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, मतलब ये करंट अभी ऐसे मूव नहीं करेगा, सिर्फ एक जगह टिका रहेगा इस जगह। ओके, तो मतलब सिर्फ वायर में टिका रहेगा, हिलेगा नहीं, ये ऐसे घूमेगा नहीं, सिर्फ वायर में टिका रहेगा, यहीं यहीं करंट है, बाकी इतने हिस्से में कोई करंट नहीं है। समझ में। देखिए ये है सेकंड केस, इधर साइड में नंबर टू डाल लीजिए इधर, बट एग्ज़ाम में नहीं डालना, सिर्फ समझ में आने के लिए डालना, आपको समझ में आना चाहिए। अब सेकंड केस में क्या होगा, मैग्नेट वैसी रखी है, गैल्वेनोमीटर वैसी रखा है, कॉइल वगैरह जुड़ी हुई है बस। अब थोड़ी चेंजिंग हम करेंगे और वो चेंजिंग अब हम मैग्नेट में करेंगे। अब क्या हो करेंगे हम, अब मैग्नेट जो है सपोज करेंगे, अब मैग्नेट जो है मूव कर रही है, मैग्नेट मोशन कर रही है। देखिए नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, सेम सब कुछ वैसा ही है, बस ऊपर एरो देखिए मैग्नेट के, ये एरो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब मैग्नेट मोशन कर रही है, यानी कि मैग्नेट किस डायरेक्शन से चल रही है, ऐसे मोशन कर रही है इस तरीके से, यहाँ से जा रही है, यहाँ से घूम रही है। तो कभी इससे क्या होगा, कभी नॉर्थ पोल इस साइड आ जाएगा तो कभी इस साइड आ जाएगा, कभी इस साइड, तो मतलब दोनों पोल अपनी जगह बदलते रहेंगे। अब यदि मैग्नेट मोशन कर रही है तो करंट कॉइल में कहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होगा, कॉइल इसे कहते हैं, इसी में करंट प्रोड्यूस होता है। अब देखिए मैग्नेट यदि मोशन कर रही है तो करंट प्रोड्यूस होगा गैल्वे कॉइल में, और वो अब पूरी कॉइल में होगा, मतलब यही कि गैल्वेनोमीटर जो है अब करंट शो करेगा इस डायरेक्शन, मतलब पूरे में घूमता हुआ, एरो दिख रहे होंगे, ऐसे में भी है, ऐसे में भी है, एक ऐसे में और बना लीजिए, नहीं बन पाया लेकिन बनाना है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर, एग्ज़ामिनर नहीं तो समझ नहीं पाएगा, नहीं तो एग्ज़ामिनर से इतना समझेगा कि इधर आके इतना ही घुमाया है करंट, बट वो घूमा पूरे में है। अगली बात समझ में। तो सेकंड केस हमसे यही कह रहा है, जब मैग्नेट मोशन करती है तो करंट कॉइल में पूरा प्रोड्यूस होता है, यानी कि पूरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। अब थर्ड केस हमसे क्या कह रहा है, इधर साइड में थर्ड नंबर डाल लीजिए, बट एग्ज़ाम में नहीं डालना, सिर्फ याद रखने के लिए डालना है। इधर वही मैग्नेट रखी, नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर ही है, गैल्वेनोमीटर भी ऐसे रख दिया, कॉइल भी ऐसी है जॉइन है और उसमें ऑलरेडी। अब देखो अब मैग्नेट में कोई चेंज नहीं आएगा, अब काय में चेंज आएगा, गैल्वेनोमीटर में। कैसे भाई, अब देखो मैग्नेट वैसी की वैसी रखी, अब गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन हम बदल देंगे, यानी कि यदि कोई चीज़ इस तरीके से रखी है, सपोज करना है कोई ऑब्जेक्ट है, चलो ओ मान लो, ठीक। अब ये ओ जो है सामने दिख रहा है, मतलब अभी सीख रहा है, अब उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, इसको पलट दो तो वो इस तरीके से दिखेगा, पीछे वाला हिस्सा दिखने लगेगा, है कि नहीं। तो वही इधर किया है, देखिए एरो देखिए बस, आप ऊपर एरो दिख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। अब बस हम कॉइल को चेंज कर देंगे, कॉइल ऐसे में है वही रहेगी, बस इधर वाली जो है इधर एंड में आ जाएगा, इधर वाला एंड इधर आ जाएगा बस। अब करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, सेम मैग्नेट रखी है वही, अब करंट प्रोड्यूस होगा बट अब तो कॉइल की डायरेक्शन चेंज हो गई है, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया है, तो अब करंट तो प्रोड्यूस होगा बट फिर से घूमता हुआ होगा, फिर से घूमता हुआ होगा, समझ में आ रहा है ना। तो थर्ड केस हमसे यह कह रहा है कि मैग्नेट यदि सेम रखी, बिल्कुल वैसी रखी है विदाउट मोशन, बट कॉइल का डायरेक्शन अब हम चेंज कर रहे हैं, तो करंट जो प्रोड्यूस होगा इनके रिलेटिव मोशन की वजह से कॉइल में, वो पूरे में प्रोड्यूस होगा, पूरी कॉइल में इस तरीके से घूमता हुआ। ये केस और ये केस तो बहुत सेम है, बस इधर मैग्नेट के ऊपर एरो शो करना है, इधर गैल्वेनोमीटर के ऊपर एरो शो करना है, बस ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यदि आपको ये टॉपिक नहीं आया समझ में तो कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि यदि मैं बहुत देर लगातार रहूँगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत तरीके से मैंने समझा दिया, पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है, आशा करता हूँ कि आप। अब एक नोट पॉइंट लिख लीजिए पहले, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में यही लिखिए, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय साइंटिस्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है, पूरी प्रोसेस है, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दी गई थी। ओके, अब हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट मतलब करंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी बोलते हैं, और सेकंड अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम एसी बोलते हैं। तो पहले डायरेक्ट करंट समझते हैं, हेडिंग बनाइए फिर फर्स्ट पॉइंट करके डायरेक्ट करंट, और ब्रैकेट में लिख लीजिए डी डॉट सी डॉट। ओके, तो डैश करके लिखिए, द करंट हुज डायरेक्शन रिमेन्स सेम विद टाइम इज नोन एज डायरेक्ट करंट। मतलब वो करंट होता है डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ बिल्कुल सेम होती है। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज करो ये हमने एक ग्राफ लिया एक्स और वाई, ठीक। इधर ओरिजिन होता है ओ, अब इधर टाइम चलता है, इधर करंट, करंट ऐसे में तो चलेगा इसी डायरेक्शन में। अब यदि बोलना ये चाह रहे हैं कि जितना टाइम होगा उतना करंट होगा, मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट ऊपर आता जाएगा, उसके बाद एक लेवल ऐसा आएगा कि वो जीरो पे आ जाएगा, फिर वहीं से कंटिन्यू होके इस तरीके से आएगा वो। मतलब जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उतना उतना करंट भी इंक्रीज हो रहा है। आ रही है ना बात समझ में? तो ये होता है डायरेक्ट करंट जो कि टाइम के साथ चले, बिना टाइम के नहीं चले। एग्जाम्पल हम इसका ये ले लेंगे कि करंट ऑब्टेंड फ्रॉम सेल बैटरी डीसी जनरेटर एक्सेट्रा। ओके, सेल से भी होता है ये, बैटरी से भी होता है, और डीसी जनरेटर से भी। अब जो ये सेल और बैटरी वाला कंसेप्ट है ना, ये आपको 12th क्लास में पूरा समझाया जाएगा। 10th में सिर्फ आपका इतना ही कोर्स है जितना अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बस 12th में बहुत हाई लेवल पे है इसकी स्टडी, तो हम 12th में इसको डीपली समझेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि सेल में हो सकता है करंट ऑब्टेन, बैटरी में हो सकता है, और डीसी जनरेटर में हो सकता है। ओके, तो डायरेक्ट करंट ये होता है। अब इसका एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए ये है डायरेक्ट करंट का डायग्राम, वही है जो अभी मैंने बना के दिखाया था। पूरा ये पूरा एक ग्राफ रहता है, बट जिस चीज़ का हमें यूज़ नहीं होता उसे हम इरेज कर देते हैं, इतने का हमें यूज़ नहीं होता हम इसको इरेज कर देंगे, तो वो सिर्फ इतना शो होगा। ओके, सिर्फ इतना शो होगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है हम उसको हटा देंगे। अब वही एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इधर टाइम चलता है, इधर आई चलता है यानी करंट, इधर ओ है होता है ओरिजिन। अब वही अभी जो मैं समझाता सेम डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम जल्दी से बना लीजिए, बस अंदर पॉजिटिव बना लीजिए। ओके, क्योंकि ये करंट से पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही चलता है, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से। ओके, बना बना लीजिए, बना लिया, इस तरीके से बनाना ये चीज़, इस तरीके से हाल के हल, मतलब चीज़ ख़त्म होने पे नहीं आया करंट, वहीं से फिर से शुरू कर दो, वहीं से ऐसे इस तरीके से बनाना। ओके, सेकंड नंबर हेडिंग डालेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट, ए सी, ए डॉट सी डॉट जरूर लगाइए इसमें। यदि हम ऐसे एग्जाम में ए सी लिखेंगे ना बिना डॉट लगाए, तो ये तो एयर कंडीशन हो जाएगा, एयर कंडीशनर है कि नहीं? इसलिए डॉट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत माइनर चीज़ें काट लेते हैं एग्जामिनर। इसकी डेफिनेशन समझिए, द करेंट हुज डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल इज नोन एज अल्टरनेटिंग करेंट। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन हर इंटरवल के बाद, हर फिक्स्ड इंटरवल के बाद चेंज होती है। आ रही है ना बात समझ में? वही होता है एसी। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, लिखिए करंट ऑब्टेंड फ्रॉम एसी जनरेटर, एसी जनरेटर के थ्रू करंट ऑब्टेंड होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, वही बनेगा पूरा ग्राफ, बट हमें इतने की ज़रूरत नहीं होती तो हम इसको हटा देते हैं। ओके, तो इतना ये डायग्राम जल्दी से बनाइए, फिर समझाता हूँ। बना लिया, अब देखो वही सब बनेगा, बस अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है इसलिए बीच में लाइन बनाएंगे। अब हमें नीचे वाली लाइन की ज़रूरत है, ध्यान देना सेम वैसे ही बनेगा इस तरीके से, बट नीचे वाली लाइन भी बनाना है इस बार, ठीक है? बीच में ओरिजिन, बीच में ओरिजिन, इधर एक्स एक्सेस, इधर वाई एक्सेस। अब देखो
इधर टाइम चलेगा, इधर करंट फ्लो होगा। अब जितना जितना जी क्या बोलना है, टाइम इंटरवल जब जब बढ़ता है तो करंट चेंज होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल, यही बोलना है ना वो। तो जैसे जैसे ये फिक्स्ड टाइम इंटरवल आएगा यानी कि ये, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी भाई। कैसे, देखिए ये फिक्स है ना, अभी तो ये जीरो है, चलो ये तो फिक्स रहता ही ऑलरेडी। अब हम एक चीज़ को इस पॉइंट को फिक्स मान लेते हैं, फिक्स टाइम इंटरवल है कि नहीं, इस टाइम इसको हम फिक्स टाइम इंटरवल मान लेते हैं। तो यदि हम ऐसे ज्वाइन करते हुए, मैं आपको बड़ा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ अभी हाल के हाल, आपको अच्छे समझ में आएगा इससे। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर टाइम चलता है, इधर करंट चलता है। अब देखो जैसे कि हमने ये पॉइंट मान लिया कि ये एक फिक्स टाइम इंटरवल है, तो बोल कह रहे हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो यदि ये करंट इस तरीके से चला तो ये तो अभी जीरो पे आएगा, होता है ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो जीरो पे आएगा 100% उसके बाद। बट अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है कि जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो ये डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? यदि ये इसी डाय ऊपर की डायरेक्शन में चलता रहता तो वो तो डायरेक्ट करंट हो जाता, ये ऊपर की डायरेक्शन में चलता रहता तो डायरेक्ट करंट हो जाता, बट अब ये पूरे में चलता है अल्टरनेटिंग करंट। इसी वजह से ऐसा बोला गया है कि ये हर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि यदि डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो ये ऐसे में ही चलता रहता, और डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये फिक्स टाइम इंटरवल माना, तो आना तो इसको फिर यही चाहिए, बट डायरेक्शन चेंज करता है, इसी वजह से वो ऐसे होके ऐसे जा रहा है। आप बिना पेन उठाए हुए सेम बिल्कुल बनाते जाइए, नहीं तो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा डायग्राम, ऐसे वैसे हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना है, कर्व बनाना है पूरा। ओके, तो डायग्राम पे विशेष ध्यान दीजिए, प्लस माइनस लगा दीजिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब देखो एक पॉइंट सुनो ध्यान से, अब ये बताओ अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में से डेंजरस कौन सा ज़्यादा होता है, एसी और डीसी में से कौन सा ज़्यादा डेंजरस होता है, बिल्कुल सोच समझ के बताना, डायग्राम देख लो, पूरी डेफिनेशन पढ़ लो, दिमाग लगाओ, सोचो आराम से, और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर ज़रूर देना, उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा। अब नोट करके पॉइंट्स लिखिए, नोट करके हेडिंग बनाइए और पॉइंट्स लिखेंगे हम उसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द एंड ऑफ कॉइल, ब्रैकेट में लिख लो, सर्कुलर लूप इन विच, ब्रैकेट के बाद लिखना, इन विच द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एंटी क्लॉकवाइज एक्ट्स एज नॉर्थ पोल। देखो ये बोल क्या रहे हैं, अब कॉइल के एंड्स की बात आ गई, कॉइल के एंड्स कोनों की बात आ गई, सर्कुलर लूप भी जैसे हम कहते हैं। अब देखो बोल क्या रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि कॉइल का जब एंड होता है, मतलब एंड्स ऑफ कॉइल की बात चल रही है, कॉइल के एंड्स में जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये बात याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज होती है इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो वो नॉर्थ पोल के जैसे काम करता है। कैसे भाई, डायग्राम देखिए, ये पूरा कॉइल है, सर्कुलर लूप, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन में, तो वो नॉर्थ पोल के जैसा काम कर रहा है। देखिए ये एन बनता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि इसी वजह से वो नॉर्थ पोल के जैसा काम कर रहा है। नीचे लिख दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड पॉइंट लिखिए, द एंड ऑफ सर्कुलर लूप यानी कि एंड ऑफ कॉइल इन विच द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज क्लॉकवाइज एक्ट्स एज साउथ पोल। अब देखो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा है कि नहीं, वैसे रट्टा मारने में तो अपन नंबर वन है ना। एंटी क्लॉकवाइज यदि होगा तो वो नॉर्थ पोल कैसे काम करेगा, और यदि क्लॉकवाइज होगा तो वो साउथ पोल कैसे काम करेगा। कैसे, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम वही सर्कुलर लूप, कॉइल के एंड्स हैं जो कि सर्कुलर लूप हैं, अभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इसमें कहाँ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा, तो अब वो कैसे बनाएगा। अब यदि वो ऐसे में घूम रहा है ना, ऐसे में ही तो घूम रहा है भाई, तो वो ऐसे
एस बनाएगा, साउथ पोल कैसे काम करेगा? देखिए एरो दिखा रहे हैं साफ साफ, वो घूम तो इसी डायरेक्शन में रहा है, बस साउथ पोल कैसे काम कर रहा है इसी वजह से वो डायग्राम बनता है एस जैसा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम नहीं बनाते, वो शुरू से साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा ही बनाया गया है। नीचे लिख दीजिए क्लॉकवाइज। अब थर्ड नोट पॉइंट लिखेंगे, फोर सोलिनोइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर में भी आ जाता है, वन वर्ड में भी, मतलब ओटीज में भी आ सकता है ये, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ध्यान रखना। डायग्राम के साथ जो 3 मार्क्स में पूछ लेंगे, यदि 2 मार्क्स में पूछेंगे सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे, और यदि ओटी में पूछेंगे तो 1 मार्क्स में तो कैसे भी पूछ सकते हैं वो, इसलिए ध्यान से समझना जरूरी है। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, फॉर सोलिनोइड, बहुत इंपॉर्टेंट है सोलिनोइड। देखिए वो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। वेन अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर इज बाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल देन अ सोलिनॉइड इज ऑब्टेंड। मतलब वो ये बता रहे हैं कि सोलिनॉइड बनता कैसे है, ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। यदि हम बहुत टन्स के कॉपर वायर यदि हम लेते हैं, काफ़ी टन्स के कॉपर वायर यदि हम लेते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं एक सरफेस की सिलेंडर से, देखो सुनो मेरी ध्यान से बात, मैं समझा रहा हूँ। ये हमने सिलेंडर लिया, ठीक, अब कॉपर वायर हमें इससे जोड़ना है, हमने कॉपर वायर जोड़ दिया, बहुत सारा जोड़ते हैं, बहुत सारा जोड़ दिया, ठीक है भाई बहुत सारा जोड़ दिया, ठीक, बहुत सारे टर्न्स बोले ना उन्हें, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो वो ये कह रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मतलब पहले तो शुरू से ध्यान में समझ में आ रहा है ना, बहुत सारा हमने कॉपर वायर ले लिया, सिलेंडर की सरफेस में हमने जोड़ दिया, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हमें लेना है, क्यों भाई, कॉपर क्या होता है, नॉन कंडक्टर, इसी वजह से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कह रहे हैं। अब ये सोलिनोइड कैसे बनाएगा? अब यदि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिंग सिलेंडर में रखा है तो ये तो करंट प्रोड्यूस करेगा भाई, ये इस तरीके से करेगा, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी, इस तरीके से मैग्नेट, देखिए हटाओ यार पहले से कचरा सा हो रहा था, ये मैग्नेट रखिए, इधर से करंट, इस पॉइंट से करंट चलेगा, ऐसे घूम के आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर इस तरीके से आएगा, तो वही सेम डायग्राम इधर बनेगा, बस वो यही बोल रहा है, डेफिनेशन समझने की बात है, डायग्राम तो सेम बनेगा, बस बीच में कॉइल रख जाएगी कॉपर वायर से बनी है, जो कि इधर बैटरी लगा देंगे हम, बैटरी दिख रही है आपको बहुत अच्छे से देखो, और की भी दिख रही होगी, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, थोड़ा छोटा हो रहा है इस साइड से, इस वजह से दिक्कत आ रही है बनाने में, इधर से की है, ओके, एरो ध्यान से शो करना, करंट ऐसे में प्रोड्यूस होगा, कैसे में, ऐसे में प्रोड्यूस होगा करंट, ऐसे में। अब ये यहाँ पे रुक क्यों गया, आपको मैंने पहले ही बता दिया, आप तो समझ रहे होगे भाई, इतने तो इंटेलिजेंट हो यार, है कि नहीं, अब मुझसे पढ़ रहे हो, इंटेलिजेंट तो हो गई अरे सर अपनी तारीफ कर रहे हो। अब देखो मतलब ये रुका क्यों, ये इसलिए रोक दिया भाई, कहाँ तक बनाएंगे, इन्फिनिटी तक है ये, तो हम इन्फिनिटी तक तो बना ही नहीं सकते ना, तो इसलिए हम यहाँ तक रोक देते हैं, बस एरो शो करके दिखा देते हैं कि वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे ही चल रहा है, देखिए ऐसे ही चल रहा है, आ रही है ना बात समझ में, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सॉरी नोट तो आई गया समझ में। यदि इसमें कोई भी डाउट हो ना लेक्चर में भाई, शर्माया मत करो, कमेंट करके पूछ लिया करो प्लीज़, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मेरा कुछ नहीं जा रहा इसमें, मेरा क्या वाला, मैं आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है, इसी पेज में खत्म हो जाएगा, बस इंपॉर्टेंट है भाई, समझना जरूरी होता है, चीज़ को रटना जरूरी होता, समझ में जरूरी होता है। देखो क्या है टॉपिक, यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? अब इसका आंसर सुनिए, उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा, आंसर मिल गया, ये ओटी में आ सकता है, फिलअप में, चूज द करेक्ट में, या ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ट्रू है या फॉल्स है, और वन वर्ड में भी आ सकता है, तो वो किसी में भी पूछ सकते हैं, बट याद रखना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है ये सुनिए, डेफिनेशन लिखिए फिर समझाता हूँ। वेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और जो डायग्राम बनाइए जल्दी से, जल्दी करो भाई, बस आप क्या है, वीडियो ख़त्म, जल्दी से डायग्राम बना लो।
बना लिया। अब देखो, बोल कह रहे हैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। सपोज करो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो क्या कह रहे हैं, जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है यानी गुड कंडक्टर है, करंट को पास होता हुआ ले जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगा। कैसे भाई? अब देखो अलग से समझाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है। अब ये करंट तो करता है ना, करंट तो कैरी करता है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी वजह से इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो वही ये बोल रहे हैं कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं, रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक फोर्स बनाता है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये डायग्राम बनाइए जल्दी और देखो, मैं समझाऊँ, बना तो लिया ही होगा। देखिए ये हमने करंट रख जी मतलब भाई मैं बोल रहा हूँ, करंट तो रखा हमने, करंट ऐसे रख देंगे क्या? हम रखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कंडक्टर रखेंगे हम। इधर कंडक्टर रखा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, NS बना दिया। अब देखो ऐसी तीन बना लूँ लियर यार, समझाने के लिए, वो समझने के लिए एग्जाम में बनानी पड़ेगी, बुक में दिया क्या करें। रख दिया कंडक्टर। अब देखो ये ऐसी तीन लेयर ऐसी नहीं बनानी, देखो मैं समझा रहा हूँ, ये बीच वाली जो लेयर है वो तो कंडक्टर है। अब ये बची हुई दो क्या है भाई, ये सोच रहे हो ना, दो क्या है? ये दो मैग्नेटिक फील्ड है। सिर्फ हम ऐसा गोला तो बनाएंगे नहीं, डायग्राम में गोला नहीं बनाया जाता, लाइन से शो होती है फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें बीच में हमने कंडक्टर रखा है लाइन से। इधर नॉर्थ पोल होता है कंडक्टर का, इधर साउथ पोल होता है। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं वो, जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जो मैग्नेटिक फोर्स इसने क्रिएट कर दिया, साफ साफ दिख रहा है, एफ सफिक्स में मैग्नेटिक लिख लेना, छोटा इस वजह से नहीं दिख रहा, कैपिटल एफ सफिक्स में मैग्नेटिक। सफिक्स तो जानते ही होगे यार, इंग्लिश तो पढ़े ही होगे, ऐसे नीचे की तरफ। ओके अब भाई ये क्या है, ये जो है वो एरिया है। ओके इतने एरिया में उसने मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर दिया। चलिए फिर लेक्चर हो गया एंड, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है आज, है ना, यही सोच रहे होगे आपने, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया आज। ठीक है चलता है, बस लास्ट चैप्टर तो यही बस हो गया, आप क्या है, एक दो वीडियो और रह गए। ओके चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। America, 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 America,